और देश में हो रहे नेताओं का अत्याचार था कि जो देश के नेता राजनीति की इस प्रकार गिर चुका है। नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप तक सच न्यूज। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जिस दिल्ली जल विहार बोर्ड के अधिकारी पर बदतमीजी से जो पेश किए गए अपने राजनीतिक चमकाने के लिए यमुना में झाग है या सियासत की आग है, ये सारे मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने पक्ष रख रहा हूं और उनसे ही जवानी सुनते हैं कि क्या बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी पर जो बयान दिया है वो खुद आप लोग सुन सकते। तो ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है, ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो, तुम 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किसमें? ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड इसमें है। ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको एनएमसी पर डाल दूं? ये केमिकल इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है, ये एनएमसीजी के मिले, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये कार डेसिग्रेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों, अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम, बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दूं केमिकल? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। तो आप लोग सुन रहे थे सांसद प्रवेश वर्मा का विवादित बयान कि किस प्रकार एक अधिकारी के ऊपर, एक पढ़े लिखे अधिकारी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे और वो बार बार ये अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ये बोल रहे थे कि ये केमिकल, जो केमिकल का वो बता रहे थे कि तेरे सर के ऊपर केमिकल डाल दूं, तो मैं उन सांसद जी महोदय को बता देना चाहता हूँ कि सांसद महोदय, आप इतने राजनीति के घमंड में इतना चूर मत हो जाइए कि आपको ये भी समझ में नहीं आया कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं और पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आपके जैसा मूर्ख चपाट नहीं है। तो आप जिस अधिकारी पर वो केमिकल डालने की बात कर रहे हैं तो उस अधिकारी, तो इतना राजनीतिक में अपने आप को इतना गुरूर मत समझ बैठिए, जनता एक सेकंड में आपका गुरूर तोड़ देगा। और जब ये सांसद, बीजेपी सांसद का एक आम कार्यकर्ता से जब मुलाकात हुआ तो इनकी हेकड़ी बंद हो गई दोस्तों। ये बार बार उनके सामने ये बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत, तब एक कार्यकर्ता ने, एक आम पब्लिक ने उनको ये जवाब दिया कि आपके नेता हो या कार्यकर्ता हो, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि हफ्ता में आता है, तो वो कोई नहीं आता है। आप उनसे भी ये सवाल को सुन सकते हैं कि एक कम पब्लिक का जवाब जब सांसद को देना पड़ा तो उनकी हेकड़ी दूर हो गई। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदरा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने, कौन आता है सर? कोई नहीं आता। आपको नहीं दिखाई सर, मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में।
सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चले? नहीं नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चले? हम चाह रहे हैं कि उम्मीद साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे। हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए, हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ। नहीं, ये केमिकल, ये केमिकल खतरनाक है। कौन सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा इससे जाग खत्म हो गया? लेकिन ये कौन सा केमिकल आप बताओ, चैनलों पर नहीं आ रहा है? आप बताओ कौन सा केमिकल है न्यूज चैनलों पर नहीं आ रहा है? भैया पहले ना पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है, अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट तो लगाया हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो? हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। मैसेज आना शनिवार को, मैसेज आना बता सकते हैं आपको, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो ना? हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टे। मैं बताऊंगा, पूछो ना। अभी आपके सामने हम बात को रखे और आप लोग ने सुना कैसे एक नेता का हैकड़ी एक आम जनता ने घमंड तोड़ दिया। तो इसलिए बीजेपी सांसद परवेश वर्मा को हम कहना चाहते हैं कि आप इतने सत्ता के गुरूर में अंधे इतना मत हो जाइए कि आपको एक पढ़े हुए अधिकारी भी समझ में नहीं आपको आए कि वो किस पद पर है। आज आप जनता ने आपको कुर्सी दिया है तो आप उस कुर्सी का गलत फायदा नहीं उठाए। बहुत ऐसे सारे सवाल हैं और मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे आप तक सच न्यूज। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है, और हमारे लिंक पर जाकर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।